Right, students. So we have finished our assignment in the previous class. So we'll be doing some extra question today on the ratio and proportion. Any doubts, students? You people have any doubts? You want to ask any question? Anything not clear to you people? Right. So students, we shall start with some of the questions now. Student, you know what is a square? What is a square? How many sides a square have? Sir, four. Question. The ratio number of sides. Of a square. To the number of edges of a cube. Excuse me, sir. Can you explain third question B part? Third question B part. Just a moment. After two, three questions, I'll do. Let me call the assignment. Right, beta, I'll explain it. No problem. Right? Haji Bacho, please do this question. The ratio of number of sides of a square to the number of edges of a cube. You know what is a cube? What is the difference between the square and a cube? Haji Bacho, can you do this question? Yes, student, anybody done? Hanji Vansh from section A. Vansh, please come. Vansh. Aage bache. Hanji bache, question clear hai aapko? Sir, yes. Kya karna hai isme beta? Sir, सर स्क्वायर के फोर साइड होती हैं। ओके एंड हाउ मेनी एजेस ऑफ अ क्यूब? हाँ जी, क्यूब की कितनी एजेस होती है बेटा? कौन बताएगा बेटा, हाउ मेनी एजेस ऑफ अ क्यूब आर देयर? यस, टेल मी स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए. स्टूडेंट है ना बेटा, प्लीज टेल मी. सर कहना है क्या? बोलिए बेटा. सर इट्स 12. इट्स 12. 12 एजेस होती है बच्चे. देखिए बेटा, क्यूब क्या होता है? इट्स अ 3D फिगर. क्यूब इज अ 3D फिगर. आपकी जो बेटा 12 होती है. देखिए, आपकी जो लूडो की डाई होती है ना, बेटा लूडो की जो डाई होती है, दैट इज अ क्यूब. सो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूब. हाउ मेनी एजेस दिस हैव? देखिए बेटा, इफ इट्स नेम इज ए बी सी डी, वी हैव जी एच. सो हाउ मेनी साइड आर देयर? सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 12. So there are 12 edges of the cube. Is this clear, bacho? Yes. What will be the ratio? Four upon. And simplest ratio will be 1 ratio 3.
Is this question clear to all? Sir, yes. Right. बच्चों बताइए बेटा, कौन पूछ रहा था थर्ड का बी पार्ट? प्लीज टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन। हु वाज आस्किंग द बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन? 105 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द रेशियो ऑफ। जस्ट अ मोमेंट। 105 लीटर ऑफ मिल्क इन रेशियो ऑफ, 2:1:2 रेशियो 5। बताओ सर कितना एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर? टू को बेटा टू से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया बेटा। 5, 10। राइट सर। सो इट कम्स टू बी 1:2। सो यू फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क इन 1:2, राइट? तो पार्ट वन क्या हो जाएगा बेटा? 1/3 0.5। वन पार्ट और दोनों का सम कितना हो गया? 3 पार्ट। वन पार्ट आउट ऑफ 3 ऑफ 1/5। एंड व्हाट विल बी पार्ट टू? दिस कम्स आउट टू बी, इज दिस क्लियर बच्चों? सर यस। कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, मीनम्स पर सैलरी इज राइट। Her annual right? Is this clear? First is find the ratio of her income expenses. Second is find ratio of expenses to savings. Right, so please do these two questions. Her annual income is rupees 2,88,000 and her saving is rupees 36,000. First of all, you have to find the ratio of her income to expenses. बच्चे क्वेश्चन समझ में आया सबको? बेटा स्टूडेंट क्वेश्चन और नॉट सर
देखो बेटा, एक मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। सपोज कीजिए यू गॉट 100 रुपीज एज पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, क्लियर? यू हैव स्पेंट आउट ऑफ 100 लेट्स से रुपीज 60, 60 रुपए आपने खर्च कर दिए बेटा, तो वट एवर इज लेस दैट इज योर सेविंग। टोटल माइनस एक्सपेंसिस इज इक्वल टू सेविंग, और टोटल माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसिस। सो कैन यू फाइंड आउट हियर आर एक्सपेंसिस एंड देन फाइंड द रेशियो। प्लीज डू इट बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलिए बोलिए बेटा। सर वॉइस इज क्लियर? या वॉइस इज क्लियर? आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। डोंट हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू द क्वेश्चन। देन हाँ जी, मैं सन क्वेश्चन कर लिया बेटा। क्वेश्चन दो में डाल द क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा जल्दी से कीजिए बेटा, आपको टोटल इनकम गिवन है। टोटल इनकम इज गिवन, सेविंग इज गिवन, राइट? तो फाइंड द एक्सपेंसेस एंड देन फाइंड द रेशियो। अच्छा हुआ नहीं अभी तक क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन बच्चों देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट क्या है? यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हर इनकम टू द एक्सपेंसेस। व्हाट इज द इनकम जी? व्हाट इज द इनकम? 2,88,000 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यू नीड टू फाइंड द एक्सपेंसेस। व्हाट विल बी द एक्सपेंसेस? 2,88,000 माइनस 36,000 6,000 आ गया। तो फाइंड द रेशियो, पार्ट वन क्या हो जाएगा बेटा? इनकम इज 2,88,000 अपॉन 2,52,000। तो 3 जीरो कैंसल, 2 कट किया इनको, देन अगेन 2, देन अगेन 2। नाउ बच्चे 9, 8, 9, 12। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनकम टू द एक्सपेंसेस? 8/7। व्हाट विल बी द सेकंड पार्ट? एक्सपेंसेस टू द सेविंग। व्हाट इज द एक्सपेंसेस? बच्चों सर यस, सॉल्व कर लो इसको। इट इज 7/2,
1:1. Is this clear? Sir, yes. Anything not clear, bachcho? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी. हाँ जी, नॉट क्लियर? यस. नाउ बच्चों फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेविंग टू द टोटल इनकम. फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू द टोटल इनकम. प्लीज डू इट. The please side. Saving to total income. Find the ratio. Done. Thank you, bachcho. Done. बेटा हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगर हो गया तो आंसर आ गया बेटा इसका. 36,000 इज द सेविंग, व्हाट इज द टोटल इनकम? बेटा 9 4 का, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 3 का, 9 2 का, दिस कम्स आउट टू बी 1:8. दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 1:8 रेशियो. क्लियर है बच्चों सबको? सर यस. एनीथिंग नॉट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. हाँ जी देखिए, द क्वेश्चन इज देयर आर बी बॉयज. नाउ बी इज ए नंबर. देयर आर बी बॉयज एंड बी गर्ल्स इन ए क्लास. बी गर्ल्स इन ए क्लास, राइट बच्चों? The ratio of number of boys to the total number of students. Yes, students. What is the ratio of number of boys to the total number of students? Please do this. Question clear हुआ आप लोगों को? No. Oh, कौन कौन है बच्चे? No वाले. देखिए अगर number of boys b हैं, बेटा have you started with your algebra?
नो प्रॉब्लम। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो बॉयज की वैल्यू गिवन है वो बी है और गर्ल्स जी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बेटा? व्हाट विल बी द टोटल स्टूडेंट? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल मतलब नंबर ऑफ बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स। यस और नो? यस। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? सर इज दिस क्लियर बच्चों? सर यस। किसी स्टूडेंट को चीज नहीं क्लियर है प्लीज टेल मी। So what we have done, we have taken the number of boys upon the total students, and total students will be sum of boys and sum of girls. Is it clear? Is this clear or not? Sir, yes. देखिए, we have been given number of boys as b and number of girls as g. Total students कितने हो जाएंगे? B plus G. Now what we have to find the ratio of y to the total. So y is this B, this is total. So B upon B plus G. Is it clear now or not? Still not clear? Yes. देखिए बेटा यहाँ पे जो है हमें values के place पे एक जो है अल्फाबेट की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम व्हेन वी डू अलजेब्रा विल अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स, राइट? इज क्लियर? आई कांट एक्सप्लेन यू इन टू मच डिटेल्स बिकॉज़ वंस यू आर डन विद अलजेब्रा इट विल बी वेरी क्लियर टू यू पीपल। What is the formula for speed? Speed का क्या formula होता है बेटा? Have you done it? Distance divided by time. How we will be doing the question on this, right? The question is, if a bus travels 150 kilometers in 4 hours, right? And a train travels 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, राइट? देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम एंड देम in 1 hour, देखिए बेटा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या गिवन है आपको? बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 hours, व्हाइल अ ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 hours,
Okay, we have to find the ratio of the distance traveled in 1 hour. So what we can do, we can find out how much distance is traveled by each bus as well as train in 1 hour. Can we find it? If 160 kilometer is traveled in 1 hour, 4 hours. So how much distance is traveled in 1 hour? 160 kilometers. Please do it now. Can you find out the same for the train? And you can take their ratios, right, bacho? Please do it. How many of you have done? Haan ji bachcho, how many of you have done? Only few students. Now let me call Damandeep from section 6C. Damandeep. Daman, have you understood? बच्चे समझ आ रहा है? Yes. Yes. Have you done the question? Yes. बताइए क्या किया बेटा? सर 160 को 4 के साथ डिवाइड किया. क्या? डिवाइड करके कितना आ गया बेटा? सर 40. क्या है 40? What is this 40? Sir, speed. Here it, speed bhi hai, but this is also the distance traveled in 1 hour, right? Yes. So distance traveled by the bus in 1 hour is 40 kilometer. My bus in 1 hour. Now I have 40 kilometers. Now, what is the distance traveled by the train in 1 hour? 40 kilometers. Ji? 40 kilometers. नहीं बेटा वो तो बस का आया ना, ट्रेन का कितना आएगा? What will be the distance traveled by the train? 1 hour. तो वो भी करना है. तो भी करो ये इधर. और मुझे बताओ कितना आ रहा है मैडम? सर हाँ जी सर 64. हाँ जी दमन कितना आया बेटा? 64. फाइव ट्रेनियस 64 किलोमीटर. नाउ फाइंड द रेशियो. What will be the ratio of the distance traveled by the bus in 1 hour to the distance traveled by the train in 1 hour? What we do? We'll divide. And the ratio kitni aa rahi hai beta? Bolo. Please do it. Sir, 5:8. Your name, Daman? 5:8. 5:8. इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5:8. Right? And we get 5:8. Yes. Sir, yes. Yes. अच्छा, in case यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता है, find the ratio of their speeds. Then what you would have done? Ratio of their speeds. Sir, distance divide by time. अरे तो क्या आ रहा है बेटा?
That also. Please find the speed of train as well as bus and then the capacity ratio. हाँ जी बच्चों यस स्टूडेंट्स व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम दोनों की जल्दी से स्क्रीन निकालिए और रेशो फाइंड आउट कीजिए बेटा What is the speed of the bus? What is the speed of the bus? बेटा फार्मूला लगाइए सामने लिखा हुआ है आपके पास सर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर राइट कौन फोर बेटा स्पीड की जो यूनिट होती है दैट इज किलोमीटर पर आवर तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बस नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी बेटा 64 किलोमीटर पर आवर 320/5 इट कम्स आउट टू बी 2 किलोमीटर नाउ फाइंड द रेशियो 5/8 What was the difference in the question? We have done two parts. What was the difference? Was there some difference? Yes, anything? Did you find the difference? बच्चे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या था फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड कैन वी से द स्पीड लेट्स से आई एम सेइंग 40 किलोमीटर पर आवर द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट व्हीकल इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 1 आवर इज दिस क्लियर So both are same thing. Is it clear? Yes. Speed is what distance travel in 1 hour. Is it clear? Yes. Anything not clear, bachcho? We will do one more question. हाँ जी बच्चों तो क्वेश्चन है कि वर्कर ऑन डेली वेजेस daily wages get rupees 1260 for 4 days right for how many days he will have to work have to work
for getting rupees 2250. First of all, tell me whether you have understood the question or not. Bache, if a worker works for 4 days, he gets rupees 1260. This is clear? Now, to get rupees 2205, for how many days he has to work? This is the question, Bache. How you can solve this question? Anyone, Bache, kaun batayega? Any student can come and explain the question. Sir, please side. Hi, Bache, how to approach this question? See, if I write here days and here wages, for 4 days, how many amount is getting? Is this clear, Bacho? Is it clear or not? Sir, yes. Now we have to find the number of days this, and how much amount we are getting. Are they in proportion? Whatever the wages are, they will be proportional. जितना काम करेगा बेटा उतने ही पैसे मिलेंगे. That means the wages and the number of days are proportional to each other. Yes or no? Sir, yes. Is based upon this is equal to ये हो जाएगा बेटा. आया नहीं आया बेटा आप लोगों को? Yes or no? बेटा will they not be in proportion? Now number of days का जो ratio है that will be the ratio of their wages. Is this clear? Sir, yes. So just find out the value of x. Find करना आता है बेटा? Sir, yes. Please do it. चलिए बच्चों आगे. सेवन आ गया सबका. हाँ जी बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय 1260 इज इक्वल टू 4 इनटू x कितना आ जाएगा बेटा, 4 इनटू 2205 1260 4 3 3 350. So this comes out to be 7. So he has to work for 7 days. 7 days, right? To get paid rupees 2205. Is this clear, bacho? Sir, yes. कोई डाउट है तो बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Thank you.
students. The next question, beta. Right? Let's say have rupees 7, rupees 9 proportion, right? This is true or false. Please check whether it is true or false. Check whether it is true or false. Rupees 7 is to rupees 9, proportion 50 to the ratio 250. Sir, false. 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 Sir, false. 7 by 9. So this comes out to be which 1 by 5. That means they are not equal. Hence, this ratio is false. Yes, students. Next question. Two numbers are in ratio. Two numbers are in ratio. Yes, 2, 3. Right? If their sum is, if their sum is 144, find the smaller number. Please do it, Bachchan. If their sum is 145, then find the smaller number. क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर और नॉट? सर प्लीज एक्सप्लेन. वी हैव टू नंबर जिनकी रेशियो 1:3 है और इनका जो सम गिवन है 144 है. नाउ इसी क्वेश्चन को अगर मैं बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, राइट? इफ यू हैव टोटल ऑफ 144 रुपीस एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2% इन द रेशियो 1:3, विल द सेम क्वेश्चन विल बी देयर? यस और नो? डिवाइड रुपीस 144 इन 1:3. ये क्वेश्चन इज देयर? यस और नो? यस. बिकॉज इट इज गिवन सम इज देयर. आल्सो सम दिस इज रेशियो. सो वन एंड द सेम थिंग ना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू डू. जनरली इन द एग्जाम वी हैव द ट्विस्टेड लैंग्वेज. और बेटा इंग्लिश में लिखते कुछ है और अंडरस्टैंड कुछ करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट आवर मदर टंग, राइट? सो यू हैव टू रीड 2-3 टाइम्स टू गेट द मीनिंग क्लियर. इज इट क्लियर? सो नाउ कैन यू डू इट और नॉट? सर यस. Thank you.
जल्दी से दोनों पार्ट्स निकालिए और रेशियो 3 में डिवाइड कीजिए. सर 36 आंसर. आंसर विल बी 36. द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी 36. देखिए कैसे आएगा बच्चे. वन पार्ट विल बी 1/3 × 144 करेंगे तो 36 आ गया. व्हाट विल बी द अदर पार्ट. 3/4 That is 108. Is this clear, bachcho? Sir, yes. Anything not clear? Sir, no. Haanji, bachcho, is this clear? Right. Now, we are doing one more question. The angles of a quadrilateral. Of a quadrilateral are its ratio 1, 2, 3, 4. Find angles of the quadrilateral. Then also, can you do this question? Bachche, angles of the quadrilateral are in ratio 1, 2, 3, 4. What is the total sum of the angles of quadrilateral? What is the sum total of angles of a quadrilateral, bachcho? 10. Quadrilateral ke angles ka sum kitna hota hai? Have you done geometry part or not? Haan ji, bachcho? देखिए बेटा, you know what is a quadrilateral? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का पता है आपको? नहीं पता. एनी फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, इसके एंगल्स का सम, ये सारे जो एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है? (360 degrees). Now, if you have to find the angles, how you can do it? One angle is ratio 1. What is the sum total of all these? 4. What is the total? 10. So, finding 1/10. 360. Yes. So, one angle will be? Sir, 36. 36 degree. Second will be? 2/10 × 360 degrees. What will be the second angle? What will be the second angle? 72 degrees. Similarly, find third and fourth angle. Please do it, bachcho. Third and fourth angle. 3/10 × 360 and 4/10 × 360. हाँ जी बच्चों, क्या कितना आ जाएगा बेटा? Right. So this way we can find out
all the angles of a quadrilateral. Is it clear, bachcho? Is it clear or not? Sir, yes. Yes. कोई डाउट बेटा? नो. So thank you very much for joining. Thanks a lot, teacher, for your cooperation.